के लिए नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा होगा? अब जैसे हिबिस्कस प्लांट का रेड कैबेज भी हो सकता है, फिर चाइना रोज भी हो सकता है। तब हम लोग देखो, हाँ तो अब हम लोग क्या किए, नेचुरल में लिए फ्लावर, फ्लावर को अब हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलो पहले रेड वाला लेते हैं। अब इसका जो ग्रीन पोर्शन है हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं बाद में कोई कलर चेंज होता है तो इससे ये नहीं कह सकते कि शायद ग्रीन पोर्शन से आया हो। अब हम लोग यहाँ पे फ्लावर ले रहे हैं। अब हम लोग सेकंड फ्लावर भी ले रहे हैं, उसका भी ग्रीन पोर्शन को हटा ले रहे हैं, इसमें और हम लोग फ्लावर ऐड कर ले रहे हैं। अब इसको इस पे कलर कर रहे हैं, इसको रख ले रहे हैं प्लेट पे। अब हम लोग फिर से दूसरा कोई फ्लावर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रेड कलर का फ्लावर लिए, इसका भी ग्रीन पोर्शन को हटा ले रहे हैं, इसको भी रब करते हैं। यहाँ पे हम लोग पिंक फ्लावर को पूरे रब कर लिए। अब हम लोग सेकंड फ्लावर लेते हैं कोई और कलर का। लोग फिर से एक नया फ्लावर लिया, उसको रब किया। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे बेस ले रहे, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और फिर एसिड लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, एक साइड हाफ पोर्शन में सोड बेस डालेंगे और एक पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में एसिड। तो फिर देखते हैं कि कौन कौन सा एसिड में कैसा कलर चेंज होता है और बेस में कैसा कलर चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ से बेस ले लिए। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे भी येलो, यहाँ पे भी। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे येलो डार्क। अब हम लोग एसिड लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, एसिड के तौर पे सिट्रिक एसिड जो कि लेमन लिए हैं। अब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में एसिड गिराएंगे, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। हम लोग दूसरे वाले पे भी एसिड गिरा कर चेक करते हैं, तो इस पे कोई चेंज नहीं आया। अब हम लोग इस पे चेंजेस आए। इस पे भी कोई चेंजेस नहीं। इस पे भी कोई चेंजेस नहीं। मतलब क्या है कि किसी किसी पे, कोई कोई फ्लावर पे चेंजेस कलर देखने को मिला। जैसे हिबिस्कस प्लांट में हम लोग पढ़ रहे रेड, जिसको चाइना रोज बोलते हैं, इस पे हम लोग क्या हुआ, एसिड में भी चेंजेस देखे और बेस में भी देखे। बट कुछ कुछ प्लांट फ्लावर में ऐसा था कि जिसमें एसिड में चेंज किया तो बेस में नहीं चेंज किया, बेस में चेंज किया तो एसिड में नहीं चेंज किया।